अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बिलाल अब्बास खान और दुरी फिशान ने मिल के बनाया है। और ये एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसका फेवरेट करेक्टर जो है वो मेरा गुलखान है, जो जिसको नाम दिया गया है फजल बख्श का। फजल बख्श, उसका नाम तो शामीर सिकंदर को भी दिया गया, लेकिन असली वाला जो फजल बख्श है, जिसको खुदा बख्श शामीर सिकंदर ने बना दिया है। और इसके अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि शामीर सिकंदर, दाऊद अली खान और ज़ुबैदा सिकंदर, जो उसकी अम्मी जो मर चुकी है, इसको जो है ना पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मैच किया जा रहा है। आप लोग को मैं इसकी स्टोरी बताता चलूँ, बिल्कुल सेम टू सेम पीपल्स पार्टी वालों की तरह ही स्टोरी है इनकी, सेम टू सेम। जिस तरह तो अब मैं आप लोग को बताता चलूँ कि कैसे इन तीनों को आपस में मैच किया जा रहा है। जिस तरह अब ज़ुबैदा सिकंदर इस दुनिया में नहीं रही ड्रामे के हिसाब से, और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं रही रियल लाइफ में, तो इसी तरह आसिफ अली जरदारी और दाऊद अली खान को मैच किया जा रहा है। दाऊद अली खान को दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ज़ालिम है, और उसका बेटा शामीर सिकंदर को बिलावल भुट्टो के साथ मैच किया जा रहा है। आप लोग अगर गौर करें ना, बिल्कुल सेम टू सेम। और शामीर सिकंदर को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में, जिस तरह की वो एक्टिंग कर रहा है तो उसे अच्छा दिखाया जा रहा है। ये लोग इस ड्रामे में दिखा रहे हैं कि दाऊद अली खान, यानी आप लोग लिंक कर ले आसिफ अली जरदारी से, कि ये बहुत करप्ट था और रिश्वतखोर था। तो लोगों को तो पता चल चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी रियल लाइफ में भी रिश्वतखोर और करप्ट है। तो लगता है ये लोग शामीर सिकंदर को आगे कर रहे हैं, और शामीर सिकंदर को बिलावल भुट्टो से लिंक कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि शामीर सिकंदर बहुत अच्छा है, ताकि लोग बिलावल भुट्टो को वोट दें। समझ रहे हो, बिलावल भुट्टो को वोट दें ताकि वो अगला वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान का। तो ये लोग शामीर सिकंदर को इसलिए बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और लिंक कर रहे हैं बिलावल भुट्टो से। आप लोग ये वाली वो देखे ना, ये वाला ड्रामा आप लोग देखें, आप लोग को मज़ा ना आया है ना इसी तरह का, और आप लोग को बिल्कुल सेम टू सेम ना लगना। अच्छा ड्रामा है लेकिन सेम टू सेम ना लगना, तो फिर मुझे आके कमेंट बॉक्स में बोलना। अब इस तरह एक और तरफ देखे ना, कुछ लोग कहते हैं रियल लाइफ में बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी थी, और कुछ लोग थोड़ा कहती है कि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसी ड्रामे में भी इस तरह के कुछ सीन है, लोग कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए देखिए, ये लोग पूरी कहानी को इन्होंने लिंक किया हुआ है पीपल्स पार्टी की कहानी से। तो ये लोग चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो अगला वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि इन्होंने शामीर सिकंदर को एक बहुत अच्छा इंसान दिखाया है इस ड्रामे में। तो शायद ये लोग शायद चाहते हो कि बिलावल भुट्टो नया वज़ीर आज़म बन जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि ये जो क्या नाम था यार ड्रामे का, मतलब ड्रामे का नाम ही भूल गया हूँ। हाँ, ड्रामे का नाम सॉरी था इश्क मुर्शिद। इतना तबाहकुन ड्रामा है ना, इतना तबाहकुन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, इश्क मुर्शिद में जो है ना वो गुलखान नहीं है, गुलखान जिसका असली नाम तो गुलखान है लेकिन ड्रामे में उसका नाम खुदा बख्शा। तो उसका चैनल भी आप लोग चेक करें, गुलखान ब्लॉग्स, उसने भी ब्लॉग में थोड़ा बहुत शेयर किए हुए हैं दुरी फिशान वगैरह के साथ, ये बिलाल अब्बास खान के साथ की शूटिंग वगैरह चल रही है। इसने भी बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन ये मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो सारा लिंक है ना, ये पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। ये लोग बिलावल अब्बास खान यानी शामीर सिकंदर और बिलावल को लिंक कर रहे हैं बिलावल भुट्टो से, और बिलावल भुट्टो को बहुत अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं आप लोग को ऐसी लगती है कि नहीं। अगर लगती है तो फिर चैनल ड्रामा देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर लग रही है, और वीडियो को लाइक कर दे और आगे से आगे शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये लोग बिलावल भुट्टो को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।